नमस्कार, मैं जगदीश भाई हिंदी व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत आज प्रथम सत्र में प्रत्यय और उसकी परिभाषा को लेकर आपसे चर्चा करूंगा। प्रत्यय सफिक्स इन इंग्लिश ऑलरेडी we have learned honor and I say honorable our honorable guest culture and cultural sanskritik pratyay hindi mein ve shabd aaj jo किसी शब्द अथवा धातु के अंत में जुड़कर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। सबसे पहली बात जो ध्यान में रखने लायक है, प्रत्यय अपने आप में एक शब्द नहीं है, वह शब्द का एक अंश है, हिस्सा, भाग, टुकड़ा, पार्ट। कहा लगेगा शब्द अथवा धातु, धातु यानी रूट, प्रकृति रूट जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं, प्रकृति शब्द से ही प्रत्यय निर्मित होता है। धातु क्रिया का छोटा या संक्षिप्त रूप धातु कहलाता है। हमने मूल रूप में धातु में संस्कृत में पढ़ी है, पट, पटती, पटता, धातु में सभी अलग होती है और अलग अलग घरों में बटी हुई होती है। ये विस्तार की बात हो गई। वद बोलना, वदती, वदता, वदंती, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, चल, चलती, चलता। हिंदी में धातु शब्द की अवधारणा नहीं है। हिंदी में यदि धातु बनानी है, हर क्रिया में नाम प्रत्यय जुड़ता है। हिंदी की प्रत्येक क्रिया में नाम प्रत्यय जुड़ता है। पढ़ना, लिखना, चलना, आना, जाना, सोना, खाना, पीना। इस नाम प्रत्यय को यदि हम हटा दें तो अब जो शब्द, जो हिस्सा, जो अंश शेष रहेगा, पढ़, ये हिंदी में धातु हो गई पढ़। चलना, चल, खोदना, खोद, संस्कृत में यही हो गया खन, इंग्लिश में हो गया डिग। वो अलग अलग भाषा का
शब्द, विकारी शब्द चार प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्रिया हो गई धातु, क्रिया का छोटा अथवा संक्षिप्त रूप, शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड रूट, प्रकृति। धातु के अंत में जुड़कर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। मूल शब्द से यहां आशय है, एक शब्द है उसी के अलग अलग संदर्भों में भिन्न भिन्न अर्थों का, नए नए अर्थों का निर्माण कर देते हैं। जिस प्रकार उपसर्ग आगे लगाए जाते हैं और आगे लगकर एक ही शब्द के नए नए शब्दों का नए नए अर्थों में नए नए रूपों में निर्माण कर देते हैं, उसी प्रकार प्रत्यय भी अलग अलग एक ही शब्द के अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थों का निर्माण करते हैं। देखिए उदाहरण, मानव एक शब्द है, मानव ह्यूमन, और यदि इसी मानव में प्रत्यय लगा दिया जाए ता, यहां अब जिस शब्द का निर्माण होगा वह शब्द है मानव का, ह्यूमिनिटी। इसी तरह एक जातिवाचक संज्ञा मनुष्य, हम ता लगाएंगे मनुष्य का, क्रिया के साथ अर्थात धातु के साथ प्रत्यय लगाने से पूर्व हमें हिंदी की प्रत्येक क्रिया के नाम प्रत्यय को हटाना आवश्यक है। जो शेष रूप रहेगा समस्त उपसर्ग व समस्त प्रत्यय उस बचे हुए क्रिया के रूप के साथ जोड़े जाएंगे। जैसे एक क्रिया है लड़ना, फाइट, ये नाम हटा दिया, अब लड़ ये धातु है। इस लड़ में एक प्रत्यय जुड़ा आई और यहां एक शब्द बनेगा लड़ाई, भाववाचक संज्ञा फाइटिंग। हम इसी लड़ में लड़ना, ये लड़ में एक और प्रत्यय जोड़ देते हैं आतु, और अब यहां जो नया शब्द बनेगा लड़ा, फाइटर। तो मूल रूप में समझने लायक जो बात है, समझने लायक जो स्थिति है वो ये है कि हमें प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक धातु का अंतिम अक्षर, अंतिम वर्ण, लास्ट साउंड जो है वो शून्य, जीरो समझनी चाहिए, वरना संधि ठीक से नहीं बैठ पाएगी। संधि की जो स्थिति है वो ठीक नहीं बैठ पाएगी। कैसे? उदाहरण, एक शब्द है बच, बचाना, बच और अथ, तो यहां बच ये शून्य है, ये ऐ जुड़ेगा और अब ये बनेगा बचा। लिख ना, ये ना आ गया, अब ये अलग शून्य और इसी में एक प्रत्यय जोड़ दिया गया अब, और अब यहां जिस नए शब्द का निर्माण होगा लेखक, राइटिंग एंड राइटर। सेव, सेविंग, जैसे एक शब्द है शरीर, शरीर में एक प्रत्यय लगाएंगे, एक प्रत्यय लगाने पर आरंभिक वर्ण बड़ा हो जाता है, तो आगे हम चर्चा करेंगे। शारीरिक, शा री, और ये र को
ये तीन री और का शायद प्रत्यय समझने से पूर्व जानने से पूर्व हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्यय हटाने से प्रत्यय हटाने के पश्चात या जोड़ने से पूर्व उस शब्द का एक सार्थक उसी अर्थ में एक सार्थक उसी अर्थ में एक मीनिंग एक अर्थ होना चाहिए। जैसे एक शब्द है रोमन, यहां रोमन में जो प्रत्यय है लैप ल, क्योंकि बचा हुआ जो शब्द है वो है रोम, शरीर पर होते हैं हमारे रोम चिन्ह रोमन, रोम से जिनका संबंध है विशेषण लैप प्रत्यय रोम एक शब्द बच गया। इसी प्रकार मैं एक शब्द लिखता हूं भूतल, मैं एक शब्द लिखता हूं आंचल। अब यदि यहां मैं लय प्रत्यय को उठाऊं तो भूतल लय, तो अब बचा हुआ शब्द यहां हो गया भूत, यहां इस लय को मैं फिर निकालता हूं तो बचा हुआ शब्द हो गया आंच। हम क्या देख रहे हैं यहां भूत का अर्थ है लेकिन भूतल के संदर्भ में यह सार्थक नहीं है। आचर आज के अर्थ होता है लेकिन आचर के अर्थ में यह शब्द सार्थक नहीं है, यह भूत यानी भूत तल और आज चल इन शब्दों का हिस्सा है। तो हमने मूल बात क्या सीखी, वे शब्दांश जो किसी शब्द अथवा धातु के पश्चात जुड़ जाए और उनके मूल अर्थों में परिवर्तन कर दे, नए नए शब्दों का नए नए अर्थयुक्त शब्दों का निर्माण कर दे, वे शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय जोड़ने या हटाने से पूर्व उस बचे हुए शब्द का एक साथ अर्थ होना। इसी प्रकार आगामी सत्र में हम प्रत्यय के भेद और उनके उपभेदों के बारे में